हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा स्क्रब या पैक आप समझ सकते हैं लाई हूँ, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकने लगेगी, चमकदार हो जाएगी। और गाइस, ये जो पैक है बहुत ही नेचुरल है और घर की ही चीज़ों से बना हुआ है, जो इजीली सबके घर में अवेलेबल होती है। तो गाइस, आपने पुराने ज़माने में देखा होगा लेडीज़ के जो फेस हैं बहुत अच्छे चमकते थे, और आजकल इतनी सारी क्रीम्स आ गई हैं कि लोग उनको यूज़ करते हैं बट उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, पैसे वेस्ट जाते हैं, और आजकल इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं कि क्या यूज़ करें। एक बार आप मेरी जो बताए हुए ये स्क्रब है इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पुराने ज़माने में भी लेडीज़ ये सब चीज़ें यूज़ करती थी बट वो घर की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करती थी तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। तो अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, और या फिर आप परेशान हैं एंटी एजिंग से, तो गाइस ये सबके लिए बहुत ही बेहतर है। आपकी जो एज है फेस पर दिखती है उसको रोकने में हेल्प करेगा, झाइयों को इम्प्रूव करेगा हटाने में, और आपके फेस का जो कालापन है उसको भी इंस्टेंटली दूर करेगा। पहली बार में ही आपको इसका फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी वीडियोस में गाइस कोई भी एडिटिंग नहीं करती हूँ, तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है आपको चावल, जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, कोई भी चावल हो वो आप ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है मसूर की दाल। आपको पता होगा कि इस मसूर की दाल को दाल की रानी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो दाल है प्रोटीन से भरपूर होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और आपके फेस के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। तो हमने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच चावल और 2 चम्मच मसूर की दाल, इस तरीके से आपको लेना है, यानी कि चावल थोड़ा सा कम और दाल थोड़ी ज़्यादा। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को पीस लिया था मिक्सी ग्राइंडर में। मिक्सी ग्राइंडर को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद ये जो स्क्रब है कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इस स्क्रब को आप पीस लीजिए और ये कुछ इस तरीके का बनेगा। अभी मैंने इसको छाना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए इस बॉक्स में रख लिया था। आप चाहें तो इसको इस तरीके से कंटेनर में भर के रख सकते हैं, जब आपका मन करे इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको लेना है एक बाउल, और बाउल में आपको ये जो पाउडर है मिक्सचर है इसको छान लेना है। तो मैं इसको छान लेती हूँ यहाँ पर। जिस क्वांटिटी में आप इसको लेना चाहते हैं उस क्वांटिटी में आप इसको ले लीजिए और उसको छान लीजिए। तो गाइस, ये जो स्क्रब है बहुत ही अमेजिंग बनेगा, और ये एज अ स्क्रब एज अ पैक आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से छान लिया है तो इसके जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो निकल गए हैं, अब भी ये दरदरा ही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट लेना है वो हमें लेना है दूध। जी हाँ, दूध क्या होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, हमारी स्किन को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और सुबह सुबह जब आपके घर में दूध आता है कच्चा दूध, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप रॉ मिल्क यूज़ करते हैं, कच्चा दूध यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो हम लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ये दूध। तो गाइस, आपको लेना है दूध, मैं आपको एकदम नॉर्मल चीज़ें बता रही हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर या तो ये मेरे पास नीम तुलसी का फेशियल जेल है ये यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट रहता है, या फिर नॉर्मल सबके घर में ये पतंजलि का एलोवेरा जेल अवेलेबल होता है ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी भी मैं कुछ ड्रॉप्स इसमें ऐड कर दूँगी। और ये जो गाइस पतंजलि का जेल है काफ़ी अच्छा होता है, इसमें मैंने विटामिन ई के कैप्सूल ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो आप भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये दोनों ही चीज़ें बेस्ट हैं आपके लिए, कोई ज़्यादा अगड़म झगड़म आपको नहीं करना है। इसके बाद अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर दीजिए। गुलाब जल हमारी स्किन को निखारने में हेल्प करता है, एलोवेरा स्किन के पिंपल्स झाइयों को दूर करने में हेल्प करता है, और जो मसूर की दाल है वो आपका कलर निखारेगी और आपका जो स्किन का ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक करेगी। तो इसको इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड उसके बाद आपको इसको अपने फेस पे एज अ स्क्रब यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो फेस है वो बहुत अच्छे से चमकने लगेगा। तो देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैं बताया कि मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ अपनी वीडियोस में, कि आपको बहुत सुंदर सुंदर दिखाऊं करके। तो इस तरीके से आपको अपने फेस पे स्क्रब करना है, और आप चाहें तो इसको लगा कर भी छोड़ सकते हैं, और फिर आप देखेंगे थोड़ी ही देर बाद आपका जो फेस है वो चमकने लग जाएगा और आपकी स्किन जो है बहुत ही जो कालापन होता है वो हट जाएगा और आपकी स्किन निखर जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो गाइस ये बहुत ही बेहतरीन एक स्क्रब है आपकी स्किन के लिए, आपके फेस के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।